मत उनसे बातचीत कर रहे हैं। होना चाहिए। देखिए जब जनता बहुत ज़्यादा विश्वास व्यक्त करती है ना, तब मैं टेंशन में आ जाता हूँ, हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है। अब हम बहुत विनम्रता के साथ, जनता ने जो हमसे विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास के आधार पर हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। उनकी बेसिक नीड्स जितनी भी, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, पानी हमारे पास पर्याप्त है पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गड़बड़ है, इसलिए अभी भी शहर के 40% लोगों के घर में नल से पानी नहीं जा रहा है। हम उसकी प्राथमिकता से लेंगे। ट्रैफिक एक चैलेंज है हमारे शहर के लिए, हम उसको ठीक करेंगे। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जिसको ठीक करेंगे। कई चैलेंज है। महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब, क्या विकास कर रहे हैं जो अब आप करेंगे? आपने देखी होगी कई समस्याएं परेशानियां शहर के अंदर हैं। नहीं, जैसा लगातार बात हो रही है, ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जिसको बहुत सुचारू रूप से इंदौर को नंबर वन लाने के लिए प्रयास करना है, लेकिन इसको करने का चैलेंज है। लेकिन इंदौर की जनता अगर ठान ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विषय है जो जनता के सामने चैलेंज है। एक ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है। यहाँ पर लग रहा था कि इतने मतों से जीत जो है वो परचम लहराएंगे। हम तो पहले दिन से लगातार आप सब लोगों के प्रश्नों के जवाब का एक ही जवाब दे रहे थे कि जीत भारतीय जनता पार्टी के विकास के आधार पर ऐतिहासिक ही होगी। कई तरह के ऑफर भी कांग्रेस ने दिए थे, 5 ब्रिज बनाने की बात की गई थी, इस तरह की सब बातें आए थे। तो क्या लग रहा है कि जो इंदौर की जनता बहुत जागरूक, बहुत समझदार और न्यायप्रिय है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उसका न्याय इस चुनाव में किया। दूसरा, इंदौर की जनता ये जानती है कि ये फ्रीबीस और झूठे आश्वासन कांग्रेस पिछले 60-65 सालों से देते आई है, तो अगर कोई इस शहर में समस्याएं हैं भी तो उसका हल कांग्रेस नहीं है। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, और साथ में जो विजय हुए हैं पुष्पमित्र भार्गव। जो कहना है साहब कि अब जो मुद्दा है वो विकास के मुद्दों पर विजय हुए हैं और आगे भी विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। और अब यहाँ से सीधा जो अंदर पहुँचकर प्रमाण पत्र, जो जीत का परचम लहराया उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए नेहरू स्टेडियम पहुँचे हुए हैं। उनके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए हैं। जी बिल्कुल हेमंत, तस्वीर बिल्कुल साफ है और ऐसे में प्रत्याशी जो है अब वहां पर पहुंचे हैं प्रमाण पत्र लेने के लिए। बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विजय प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव, रमेश मेंदोला समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे। बहुत शुक्रिया।